आप जानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत का ट्विटर हैंडल परमानेंटली बंद कर दिया है, पर क्यों? आइए जानते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही इस हफ्ते के सबसे तड़कते फड़कते अपडेट्स बताने वाली हूँ, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अपडेट नंबर 1, 28 अप्रैल 2021 को जोहो कॉर्पोरेशन के सीईओ श्रीधर वेम्बोजी ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू ये अनाउंस किया है कि वो तमिलनाडु के रूरल रीजन्स में कोविड-19 से अफेक्ट हुए फैमिलीज को रोज 6,000 फ्री मील्स देने वाले हैं। ये सच में काफी ग्रेट इनिशिएटिव है। अपडेट नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर्स को QR स्कैन से अलर्ट रहने के लिए वार्न किया है, यानी कि अगर आपको किसी को पे करना है तो ही आप QR कोड स्कैन करें। उसके अलावा अगर आपको कोई QR कोड शेयर करता है तो उसे बिल्कुल स्कैन मत करें, क्योंकि वो साइबर क्रिमिनल्स का आपको फंसाने का जाल होता है। तो ऐसे QR स्कैन से बच के रहना दोस्तों। अपडेट नंबर 3, जैसे कि इंडिया दुनिया का सबसे बुरा कोरोना वायरस सर्च एक्सपीरियंस कर रही है, इसीलिए रिसेंटली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया को 60 करोड़ रुपए देने वाले है। साथ ही न्यूजीलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ननाया महुता ने भी इंडिया को $1 मिलियन की मदद करने का वादा किया है। अपडेट नंबर 4, 3 मई 2021 को इथेरियम, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, उसने $3,000 का मार्क क्रॉस किया है, जो कि क्रिप्टो में अभी तक का सबसे बड़ा हिट है, और जिसके चलते इथेरियम के को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन आज यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनर बन चुके हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 27 साल है। अपडेट नंबर 5, ओयो ने अपने ऐप में 2 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो है कोविड आइसोलेशन और क्वारंटीन फैसिलिटीज। रिसेंटली सीईओ रितेश अग्रवाल ने ट्वीट किया है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हो तो आप इन 2 फीचर्स की मदद से किसी भी नियर बाय ओयो होटल में जाकर खुद को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हो, जिससे हेल्थ वर्कर्स, हॉस्पिटल्स और पेशेंट की फैमिली का बर्डन कम हो जाएगा, और वहां आपको सेफ स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वायरस स्प्रेड होने से प्रिवेंट हो जाएगा। अपडेट नंबर 6, 28 अप्रैल 2021 को कोविड पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप बहुत से यूजर्स के लिए डाउन हो चुका था। जी हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन अलाउ किया है, तो बहुत से यूजर्स इन वेबसाइट्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से वेबसाइट डाउन हो गई थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चालू होने के एक ही घंटे में 35 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर किया था। अपडेट नंबर 7, 4 मई 2021 यानी रिसेंटली ट्यूसडे को कंगना रनावत का ट्विटर हैंडल परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, पर क्यों? क्योंकि उन्होंने बंगाल के पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट वायलेंस के रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट किया था। साथ ही उनके अकाउंट से हेटफुल और अब्यूसिव बिहेवियर सामने आ रहा था, इसलिए ट्विटर ने उनका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया है। अपडेट नंबर 8, इलॉन मस्क ने रिसेंटली ये बताया है कि उनकी स्पेसएक्स कंपनी ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के 5 लाख से भी ज्यादा प्री ऑर्डर्स रिसीव किए हैं। स्टारलिंक के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना? अगर नहीं सुना तो हमारा ये वीडियो जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अपडेट नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स ने रिसेंटली अपने ट्वीट के थ्रू ये कहा है कि वो दोनों अपना 27 ईयर्स का रिश्ता तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में साथ में काम करने वाले हैं। पर शायद इस डाइवोर्स सेटलमेंट की वजह से बिल गेट्स की जायदाद पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अपडेट नंबर 10, मास्टर कार्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके रिसर्च टीम ने फेब 26 से लेकर मार्च 10, 2021 तक वर्ल्ड वाइड 18 कंट्रीज के 15,569 लोगों के साथ एक ऑनलाइन सर्वे किया था, जहां ये पता चला कि उनमें से 40% लोग अगले साल क्रिप्टो यूज करने का सोच रहे हैं। 67% लोगों ने ये कहा कि वो इस टेक्नोलॉजी को पहले से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 77% लोग क्रिप्टो करेंसी सीखने में इंटरेस्टेड थे और 75% लोगों ने ये कहा कि अगर वो इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से जान ले तो वो इसको जरूर यूज करेंगे। आप कौन से कैटेगरी में आते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।